नमस्कार दोस्तों। नमस्ते दोस्तों। तो आज हम आपसे अपने ट्रैवलिंग ब्लॉग शेयर करना चाहते हैं, जिसकी आपको पता है आजकल हमारी क्वारंटीन डेज चले हैं, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है, हम घूम सकते हैं, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज हम अपने वैली के, भावा वैली के जो कंडे है बालो, वहाँ पर जा रहे हैं। तो हम आपसे अपनी जो सारी मेमोरीज़ है, जो हमने रास्ते में देखा, हम सब कैप्चर करके आपसे पक्का शेयर करेंगे। हम आज निकले हैं, हम शाम तक पहुंचेंगे और फिर हम कल वापस आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी हम पहुंचे हैं बाबा के सोलंग में। Hey guys, so welcome back। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं अपने आशियाने में, जो हम फर्स्ट डे जहाँ स्टे करने वाले हैं वो है पांडेश्वर। सो इसके बारे में आपको बताएगी स्वाति। अकॉर्डिंग टू आर माइथोलॉजी, हम ऐसे मानते हैं कि यहाँ पे जो पांडव का वनवास था, तो वो यहाँ पे आए थे और उस पहाड़ पे वो गए थे। काफ़ी मुश्किल है वहाँ जाना, बहुत ज़्यादा आपको आपके साथ फैसिलिटीज़ वगैरह सी, जो आपको साथ ट्रैकिंग सामान चाहिए वो सब चाहिए थे। आपको वहाँ जाना है तो काफ़ी दूर है, और वो पहाड़ है, और ऐसा बोला जाता है कि इस पहाड़ के पीछे रोडू है, चिड़गांव वाला इलाका है। सो यहाँ काफ़ी नज़दीक है यहाँ से। हाँ, तो यहाँ पे दो दादी बैठी हुई है, जो यहाँ से रोज़ अपने लिए, अपने घर के लिए भोजा ले जाती हैं, लकड़ियों का। हाँ, फ्यूल वुड ले जाती हैं। हाँ, सो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ का ये है हमारा फर्स्टेस्ट मेंबर ऑफ द टीम। गाइस, हाय फ्रेंड्स। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं आज जहाँ पे हमने रुकना है। तो बहुत सुंदर व्यू यहाँ का, आपको दिखाते हैं ग्लेन। और ये वो घर है जहाँ पे आज हमने रुकना है, बहुत सुंदर है। और अभी आपको दिखाएंगे, आपको व्यू दिखाते हैं आपको। कैसे हैं आप सभी, तो ज़रूर बताइएगा। अब हम जा रहे हैं जहाँ हम जाना था बालो, और हमने जो रात को स्टे किया उसके बाद अभी हम सुबह ब्रेकफास्ट करके तैयार हुए हैं। आगे का व्यू बहुत सुंदर है, मैं आपको बाद में दिखाते और मिलवाती हूँ सभी से। सो यहाँ पे है सब तैयार हो चुके हैं फिलहाल, और यहाँ पे आते और बुरे, सोना, स्वाति, साक्षी, अब कोको, अभियू और अच्छा और मैं। सो अब हम तैयार हो चुके हैं, चलते हैं अब।
बैक। सो यहाँ से बहुत सारे गांव दिखाई देते हैं। तो ये नीचे है कंडार, फिर भावनगर, सुमरा, नाथपा और त्रांडा, और इसके लेफ्ट में निचार। सो इधर देख सकते हैं आप। और यहाँ पे हो रही है स्नोफॉल। सो आप देख सकते हैं हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे भी। सो अब ऊपर जाते हैं और आपको वहाँ से आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। आशा है कि आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छी लगेंगी। सो हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो हमारा ट्रिप हो चुका है पूरा और अब हम यहाँ से अपने घर के लिए निकल चुके हैं। और अब हम जाएंगे कड़गांव के कंडे अपने अपने खेत देखने। शुरू होता है हमारे गांव का कंडे। सो बाकी तो आगे चले गए हैं हम, मैं और मेरी फ्रेंड बीच में हैं और बाकी आ रहे हैं पीछे से। जी आप बोलो कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं वापिस, क्या है, कड़गांव कंडा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और ये रहा घर जो मां नीचे से आपको दिखाया था। तो ये पपलू और यहाँ पे है भैया और भाभी। सो देख सकते हैं आप सभी। और यहाँ पे है इनके खेत।
जहाँ पे अभी फूल लगे हुए हैं सेब के। अब हम चलते हैं अपने अपने खेत देखने, साक्षी और मेरा। सो चल पड़े हैं लंच करके। अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर की ओर। बाय दी। हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक। अभी हम पहुंचे हैं हिल्लोर कंडे, जिसको कहते हैं ख्वागे। ये हमारे दो और तीसरी मूर्ति त्रिमूर्ति दही पीते हुए। हमने बहुत मज़े किया आज, हमारी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी हुई है। ये हमारे ग्रुप का एक और मेंबर, मुस्कान की फेवरेट सब्जी चिकन आलू। ये ब्लॉग मुस्कान का है, इसके लिए मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। हमारी फेमस भावेली की ब्लॉगर, टिकटॉकर कम लाइकर। सारे इतने शांत हैं यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी आंधी आने वाली है। देखिए ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो में बस ये लड़की मिसिंग थी जो अब सबको दिखाई दे रही है। आपको चलना चाहिए एंड में, आपको चलना चाहिए पता किसकी वीडियो है ये, इसकी। ध्यान से देखिए, ध्यान से फोकस करके देखिए चेहरे। हेलो फ्रेंड्स, हाय दोस्तों। सो फाइनली हमारा ट्रिप खत्म हो चुका है और हम वापस आ गए हैं अपने गाँव अपने घर। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। आपसे हमने सारी हमारी मेमोरी शेयर की है, ऐसे करके आपको जरूर पसंद आएगी। सो प्लीज़ चाहते हैं कि और भी वीडियोस हम डालें, तो उसे आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।